इसका अबान का जो है ना एक रुपया भी इसके अंदर शामिल नहीं है। अबान ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। देख लो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो आप, देखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक और नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज जो है ना सुबह से जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बल्कि नहीं तेज़ तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही थी और काफ़ी देर तक बारिश हुई है। और बादल और बिजली जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी गरज रहे थे और चमक रहे थे। बट ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है, अभी मौसम जो है खुशगवार हो गया है, बादल हल्के हल्के से हैं, ज़्यादा बादल नहीं है। और बारिश इतनी हुई है कि देखें हमारे ज़ू के अंदर जो है यहाँ पानी थोड़ा सा खड़ा हो गया, यहाँ पानी खड़ा हो गया है। और एज़ यूजुअल जैसे लास्ट टाइम भी हमारे बारिश हुई थी तो फिर केजीज़ के अंदर कुछ कुछ पानी आया था, क्योंकि हमारी ऊपर वाली जो शीटें हैं ना वो कुछ कुछ जो है ना वहाँ से लीक करती हैं जॉइंट्स के ऊपर से स्पेशली। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी केजीज़ के अंदर आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। अभी जब हम अपने मिनी ज़ू के अंदर आए ना तो सबसे पहले जाके मैंने डकलिंग्स को चेक किया है। तो डकलिंग्स को जो मैंने चेक किया तो हमारे जो 9 पीसीस थे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है एक जो है ना वो उसमें से जो है वो बिल्कुल यानी कि टून हुआ हुआ है, हल्के हल्के जो है ना जिसमें मरने के करीब है। उसको अभी हमने बाहर निकाला है कैसे, और यहाँ पे अभी नबील की हाथ में हमने रखा हुआ है। और ये देखें इसकी कंडीशन, ये बस आखिरी आखिरी सांसें ही ले रहा है। अब समझ में नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है, ठंड खाया है कि क्या हुआ है मामला, लेकिन है तो ये पानी के यार। फिर क्या हुआ होगा इनको नबील? यार ये अभी बहुत छोटे मेरे ख्याल से ना, इनको ठंड की वजह से ही हुआ है क्योंकि ये लेकिन इनके केज में तो पानी भी नहीं गया बारिश का। हाँ ये बात भी है, बारिश का पानी भी नहीं गया। मैं आपको भी दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें केज में जो है ना यानी इनके बारिश का पानी नहीं गया है, जो हमने इनके पाउंड में पानी डाला हुआ था वही पानी था। और ये खाना बल्कि अभी आके मैंने रखा है, वरना ये वाला भी बॉल पूरा खाली हुआ हुआ था। और बाकी देखें बिल्कुल ओके है, यहाँ पर कोई पानी वानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये 9 पीसीस तो ठीक है हमारे, और उस वाले को कुछ हो गया है। अब वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना मार्केट जाएं, और मार्केट जाके जो है ना आज पैरेट का बच्चा लेकर आएँ, जो रॉ का होता है, जिसको रॉ भी बोलते हैं, काठा भी बोलते हैं, और कश्मीरी तोता भी बोलते हैं उसको, पहाड़ी तोता, तो उसका जो बच्चा है ना वो लेकर आते हैं। और आज लेकर हम लेकर आएंगे, एक ही लेकर आएंगे, ताकि वो जो है ना पहले हम उससे एक्सपीरियंस करें कि हम अपने हैंड फीड उसको देते हैं, फिर उसको पालने की कोशिश करते हैं। वो एक्सपीरियंस हमारा कामयाब हो गया तो फिर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जो है ना फिर ज़्यादा बच्चे लेकर आएंगे। तो अभी मार्केट जाते हैं, देखते हैं कंडीशन क्या है, क्योंकि पता नहीं कन्फर्म भी नहीं है कि मार्केट अभी लगी हुई होगी कि नहीं, क्योंकि आज बारिश काफ़ी हुई है तो हो सकता है मार्केट खत्म भी हो गई हो। दोस्तों अभी जो है ना हम लोग मार्केट में पहुँच गए, और मार्केट में जो है ना मैं सोच रहा था कि बारिश की वजह से मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई होगी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें मार्केट जो है बिल्कुल लगी हुई है और काफ़ी रश है, बल्कि मार्केट में पूरी मार्केट लगी हुई है। और हमें जो है ना उस्मान भाई भी मिल गए, हमें उस्मान भाई से ही बच्चे लेने थे। अब ये पहाड़ी तोते भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये दो अलग अलग उम्र के हैं, और फिर वाइट भी है इनके पास, येलो भी है, तो हमारे को लेकिन लेना है पहाड़ी तोता। और ये अभी हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक्टिव भी है ये, तो ये इस पर उस्मान भाई से थोड़ी बातचीत चल रही है पैसों पर। छुप रहा है, छुप रहा है, ये आपके पीछे छुप रहा है, ये सही लग रहा है ना बिल? ओके एक्टिव लग रहा है, चोंच में हाथ डालो, उंगली मुँह में ऐसे साइड से पकड़ो ना, इतना बहादुर नहीं है ये, ऐसे करना पड़ेगा ना, ये देखो साइड से, ये देखें दोस्तों एक्टिव है ये माशाल्लाह से, खाना मांग रहा है ये। अच्छा उस्मान भाई इसको फीड वगैरह क्या कब कब देनी है? सर सुबह और शाम फीड दें आप इसको, दोपहर में सेब मैश करके दे दें, दाल दे दें मैश करके, इसको लोबिया सफेद वो दे दें बॉयल करके, दाल और लोबिया बॉयल करके देना, ठीक है? और सेब वगैरह चीकू वगैरह ये फल जो सॉफ्ट फूड है ये दोपहर में इसको मैश करके इसे मुँह में डालें? हाँ मुँह में डालेंगे, वो जैसे अभी हमने पंपिंग करा ना वो डालेंगे। और पानी इसको सादा नहीं देना? सादा पानी नहीं, वो जो पेडिकेयर का पानी होता है ना, पीटी लाइट का पानी, वो देना है सर। ठीक है चले, बस इंशाल्लाह इसी उठाते हैं, कहते हैं उस्मान भाई से तोता लेते हैं, उसके बाद फिर आपको घर पे मिलते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए वापस लेके ना अपने तोते को, और उस तोते के लिए अभी हम उसको रखने के लिए ना कहते हैं वो बना रहे हैं टोकरी। टोकरी के अंदर जो है वो या तो उन्होंने बताया था कि लकड़ी का बुरादा डालिएगा, या फिर जो है पेपर वगैरह काट के उसमें डाल दिएगा। तो अभी तो खैर बारिश की वजह से भी, और आज यानी दिन भी ऐसा है संडे का कि जो कारखाने वगैरह वो बंद थे, अभी हम गए थे लेने के लिए लेकिन नहीं मिला। तो अभी हम जो है ना वो पेपर ही काट के डाल लें, और यहाँ पे देखें ज़रा स्मोकी कितना एंजॉय कर रहा है, इसको बड़े मज़े आ रहे हैं पेपर के अंदर। स्मोकी ये तुम्हारे लिए नहीं कट रहे हैं जो तुम इतना मज़े कर रहे हो यहाँ पे? पेपर काफ़ी डालने पड़ेंगे और ये काफ़ी ही है, काफ़ी है, अभी हो जाएगा, फैलाऊंगा ना वो थोड़े से, एक साथ हो रहे हैं ना इसलिए ऐसा लग रहा है, खेल रहा फुल मजे से। यहाँ पे स्मोकी के मज़े आ रहे हैं, और जो हमारा जो बच्चा है पहाड़ी का वो यहाँ पे हमने रखा है इसके अंदर अभी, और ये देखें कितने मज़े से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको भूख भी लग रही है। और इसके लिए अभी हमने खाना भी मंगवा लिया, बस इसका जो है ना पहले केज तैयार हो जाए जो हम इसमें टोकरी में कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको खाना भी देते हैं हम लोग दोस्तों।
दोस्तों मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं लाया हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं लाया और मैं आपको बल्कि बताना भूल गया कि ये जो हमारा पैरेट का बच्चा आया है ये सिर्फ और सिर्फ अजलान और आयजा की दोनों की मुश्तरका ईदी के पैसों से आया है। उन दोनों ने अपने ईदी के पैसों से लेकर आए हैं और इसका अबान का जो है ना एक रुपया भी इसके अंदर शामिल नहीं है। अबान ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। मैंने इसके लिए अपने बचा के रखे। हाँ तो आपने बचा के रखे लेकिन फिर आपने तो नहीं कंट्रीब्यूट किया ना, बस ये तो पक्की बात है ना। लेकिन मैं भी इसका ख्याल रखूंगा। ख्याल रखो, ख्याल रखने से किसी ने मना नहीं किया लेकिन दोस्तों को पता होना चाहिए, सारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि अबान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ अजलान ने और आयजा ने किया है। चलिए अगली बार मैं भी तोता लाऊंगा सरप्राइज लेके। देख लो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो आप। इंशाल्लाह मैं भी पैसे जमा करूंगा और सरप्राइज तोता लाऊंगा, बहुत प्यारा तोता लाऊंगा, देखते रहेंगे। चलो फिर देखते हैं, देखते हैं फिर। अजलान और आयजा जो है ना अभी आ गए हमारे जू के अंदर और इन दोनों की जो है ईदी से जो हम तोता लेकर आए इन्होंने अब आके देखा है। कैसा लगा अजलान और आयजा आपको? बहुत प्यारा लगा। बहुत अच्छा लगा है जी। तो फिर आप लोगों की ईदी वसूल हो गई जी। अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने खाना भी रेडी कर लिया इनका और श्रीलंका के साथ बना लिया है। अब जो है वो नबील खिलाएगा या मैं खिलाऊं भाई? आप खिलाएंगे? मैं खिलाऊं? चलो ठीक है फिर मैं खिलाता हूँ अभी। ठीक है, आपको आइडिया है, आपने पहले भी जो है वो छोटे तोतों को मतलब खिलाया खाना। अजलान आप भी तो देखें कि बाबा कैसे फीड करवा रहे हैं, फिर आपने भी करवानी है बाद में। सभी कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको हाथ में पकड़ के? मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़े इसके नाखून चुभ रहे हैं। नाखून अभी इसको जो है ना हम फीड देते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया। गरम तो नहीं है ना नबील भाई? नहीं इतना गरम नहीं है, दिखाएं पहले मुझे, टच करने दे। सही है, ठीक है, ओके ओके। हाँ इतना गरम नहीं है, चलो आ जाओ। इतना प्यारा लग रहा है। मज़े मज़े से श्रीलंका खा रहा है और आधी सिरिंज हो चुकी है। इसको क्या मतलब, बिल्कुल स्लो स्लो फीड करवाना होता है या? हाँ थोड़ा स्लो स्लो देते हैं ना। अच्छा आ जाओ, आवाज़ें निकल रहा है। खाना खिला रहे हैं आपको और क्या कर रहे हैं? और नहीं खाना, वो इसके पेट भर गया। ये लो, मेरे ख्याल से पेट भर गया। नहीं नहीं पेट तो नहीं भरते, इनको 30 cc देना होता है। अच्छा ये इसका खाना हो गया दोस्तों और इसने पूरा जो है 30 ml जो है वो अपनी फीड ले ली है और इसको हमने जो है ना 2 times ये फीड देनी है और बाकी जो है ना डे के अंदर हम इनको जो है ना एप्पल मैश करके देंगे और चीकू भी मैश करके देंगे और इसको हम चने की दाल भी और जो लोबिया होती है वो भी बॉइल करके और मैश करके इसको खिला सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसका देखें दोस्तों माशाल्लाह से आगे से पोटा भी फूल गया है इसका। आगे से देखें इसका पोटा भी जो है फूल गया, इसे खाना गया ना अंदर तो अभी इसका पोटा फूल गया। ठीक है, भूख तो नहीं लग रही और हैं? एक ही सीरीज इतनी मुश्किलों से खाई है इसने। हाँ नहीं देखो अब इसको भूख नहीं लग रही, वरना जब भूख लग रही होती है ना तो ये लोग ऐसा मुंह खोलते हैं अपना। हाँ। अब मुंह भी नहीं खोल रहा, वरना ये फौरन जो है ना ऐसे ऐसे मुंह खोलने लग जाता है। सही, चलो आ जाओ तुम अपने घर में, आ जाओ आराम से। हाँ ये बड़ा हो गया ना, काफी बड़ा साइज का हो जाएगा ये इंशाल्लाह। ये भी ज्यादा आएंगे, ये टॉकिंग भी करेगा जी, आप जो सिखाएंगे फिर सीखेगा ये। जब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना फिर ये डायनासोर बन जाएगा। जाओ फिर अजलान, इसको जो है आप ये घर में रखो, इसको बाहर नहीं रखेंगे मास्टर केज में, इसको डे में बाहर लेके आएंगे। ठीक है, इसको घर में रखे रखो। ये जो बैठे हुए हैं, चिंकी को तो दिखा दो, गौर से देख रही है वो, यार इस जू की मेंबर है प्रिंसेस, दिखा उसको। इसके हाथ में नहीं लगाने देना, इसके हाथ नहीं, हाथ नहीं लगाना, बस हाथ नहीं, हाथ नहीं, दूर से देखो बस। कैसा लग रहा है चिंकी, नया मेहमान आ गया तुम्हारे जू के अंदर? बस बस ज्यादा नहीं, तुम्हारा प्यार भी जो है ना बड़ा खतरनाक है चिंकी। दोस्तों मैं आपको सबसे बड़े मंजर की बात बताऊं, हमारी जो ब्लैक डायमंड है ना वो ब्लैक डायमंड दोबारा से कुड़क हो गई है और माशाल्लाह से हमने उसके रात में ना उसके नीचे 3 अंडे रखे थे और अभी मैंने आके देखा तो उसने 1 अंडा और दे दिया, टोटल 4 अंडे हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके पुराने वाले 5 बच्चे हैं और ये अभी मुर्गी फिर कुड़क हो गई है और इसके नीचे जो है ना हम लोगों ने अंडे रखे हैं, 3 रखे थे अभी 4 हो गए अंडे टोटल। आओ अपने अंडे दिखाओ नीचे, चलो अपने नीचे अंडे तो दिखा दो। अच्छा अंडे दिखा दो, कितने हो गए? शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। ये देखें माशाल्लाह इसके नीचे जो है 4 अंडे हो गए और शोर भी बहुत ज्यादा कर रही है ये। दोस्तों हम लोग जो है ना आज गए थे जब पैरेट लेने ना, तो मैंने सोचा था कि हमारी मुर्गी कुड़क हो गई है,
तो क्यों नहीं हम जो है किसी फैंसी बर्ड के जो है ना कहते हैं मुर्गी वगैरह जो है उसके अंडे लेकर आए, फर्टाइल अंडे, और उसके नीचे रख दें। तो हमने मार्केट में काफ़ी सर्च किया तो हमें जो है वो आज मार्केट में देसी अंडे वगैरह मिल रहे थे नॉर्मल मुर्गियों के, लेकिन जो हमें चाहिए थे जैसे पॉलिश के या फिर सिल्की के वो अंडे नहीं मिले। तो हमें जो है ना एज सून एज पॉसिबल अरेंज करने होंगे ताकि इसके नीचे हम मुर्गी के नीचे रख दें। अभी भी 8 अंडों की गुंजाइश है, तो इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कहीं से अरेंज हो जाए, फ़ौरन इसके नीचे जो है ना हम वो फैंसी अंडे रखेंगे। यार मैं कह रहा हूँ कि ये भी कुड़क हो गई है और ये चूज़े भी हैं, तो इनके लिए ना वो थोड़ा सा गिरी सूखी घास जो होती है ना उसकी एक थोड़ी सी बाउंड्री बना दें ताकि थोड़ी सी हीट आते रहे उनके पास। तो मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए और थोड़ी सी सूखी घास लानी चाहिए, क्योंकि वो भी देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, और इधर जितने भी बच्चे ना अभी तो दरवाज़ा खुला बाहर आ गए, वरना ये मुर्गी को तंग कर रहे हैं। तो वो तो तंग अंदर फिर भी करेंगे, लेकिन ये कि उनके लिए घास लगा देते हैं कंफर्ट हो जाए, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए, क्योंकि तो बारिश का मौसम है, फिर थोड़ी सी हीट तो चाहिए ना इनको। तो अभी मिल जाएंगी घास, देख के आते हैं, ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं और जाके जो है ना ट्राई करते हैं कि हमारे को जो हमारी ब्लैक डायमंड है उसके लिए भी घास मिल जाए, और जो हमारी डकलिंग्स हैं इनका भी नाम जो है ना हम आज रख रहे हैं, और इनको आज से ना हम डकी टीम बोलेंगे, अपनी डकी टीम के लिए भी जो है ना जाके घास लेकर आएँ ताकि ये थोड़ा सा कम्फर्ट फील करें। दोस्तों अभी जो है ना हम लोग वापस आ गए, और हमारे को ना कहीं से भी जो है वो हमारी ब्लैक डायमंड के लिए और हमारी जो डकी टीम है उनके लिए घास नहीं मिली सूखी, क्योंकि आज वैसे ही सारा दिन बारिश हुई थी, तो जिनके पास थी वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास गिरी हुई भी है। बट अभी हम जो है ना लूसन लेकर आ गए, लूसन जो है वो अपने खरगोशों के लिए लेकर आए, और जो हमारे कहते हैं ब्लैक एंड ब्राउनी वगैरह हैं उनके लिए। तो अभी जो है हमारी जो ब्लैक डायमंड है उससे तो हम माजरत कर लेते हैं, और हमारी जो डकी टीम है उनसे भी हम माजरत करते हैं। इंशाल्लाह जो है ना कल तुम लोगों के लिए जो है ना घास लेकर आएंगे हम लोग, सही है, फिर तुम लोग के यहाँ पे घास बिछा देंगे, फिर तुम लोग आराम से कंफर्ट रहोगे, बिल्कुल ज़मीन से तुम लोगों को ठंड भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। दोस्तों ये देखें हमारे रैबिट हाउस की दोनों लाइटें ख़राब हो गई, एक तो बल्ब जो है ना वो बिल्कुल ही नीचे झुक गया था, उसके अंदर पानी भर गया, और ये अभी कुछ देर पहले तक चल रहा था लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, अचानक ये भी फ्यूज़ हो गया। ये देखें ज़रा नबील को क्या हरकतें कर रहा चिंगी के साथ, क्या कर रहे थे भाई हाथ में, वो मांग रही है, बोले मेरे को दे दो बस नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो ये बहुत शरारती है, कैमरा के आते के साथ ही वाकई में बहुत शरीफ बन जाती है। ये गुस्सा दे दो भाई, दे दो उसको अमरूद, दे दो यार, ये देखो कैसे मुंह बना रही है, फिर वो काटती है ना फिर सही आता मजा आया नबील, फिर वो अपना गुस्से का इजहार जो है ना वो उस टाइम में करती है। फिर हमने चारों तरफ से घेर लिया है हमने, ये मिल गया अमरूद, अमरूद नहीं सेब, अच्छा सेब खा रही है ये, अल्लाह भी हम चूहों को खिलाते, तुमने थोड़ी देर पहले केले भी खाए थे, तुम सेब भी खा रही हो, तुम कितने फ्रूट खाती हो यार, लेकिन हो तुम वैसे की वैसी छोटी की छोटी, बड़ी नहीं होती। हम लोगों ने जो है ना ब्लैक एंड ब्राउनी को भी जो है ऊपर उठा के रख दिया, क्योंकि हमने कल ही सफाई की थी और आज बारिश ने फिर सारा तहस नहस कर दिया, वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया। हम इसलिए सफाई नहीं कर रहे दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि शायद हो सकता है कल दोबारा बारिश हो जाए, क्योंकि पेशेंट कोई है कि मतलब कोई ये वीक जो है ना पूरे वीक कोई ना कोई बारिश होती रहेगी, तो इसलिए अभी हमने इनको उठा के अभी ऊपर रख दिया है, और यहाँ से देखें सेब खा रहे हैं बड़े मज़े से। नहीं मेरे को डर लग रहा है, मैं खोलूँगा कहीं कूद ना मार ले वो ब्लैक वाले, नहीं नहीं कूद नहीं मारेंगे। ये देखें कितने मज़े से सेब खा रहा है, ये हमारे पुराने वाला है ना ब्लैक की, ये पुराने वाले हैं दोनों पुराने वाले हैं। अच्छा अभी जैसे हम नए वाले लेकर आए थे फीमेल, ये भी अभी कुछ दिनों में देखना कैसी मोटी हो जाएंगी, वो लेके भाग गया। उसने बोला तुम सही है तरसा तरसा के दे रहे हो नबील, मैं वैसे लेके भाग जाता हूँ, उंगली पे नहीं काट लेना माशाल्लाह से। अभी ये जो है ना थोड़ी थोड़ी शहद पकड़ ली है ना, ये भी पकड़ ली माशाल्लाह से, इसका इतना डार्क जेट ब्लैक कलर है कि ऐसा लगता है इसके ऊपर कलर किया है किसी ने, देख रहे हो, नहला के देखें एक दफा कि कलर किया है कि नेचुरल कलर है। नहीं वाकई मुझे डाउट हो रहा है, इसको एक दफा नहलाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैक कलर आ रहा है यार, कुछ ज्यादा ही ब्लैक, इतना ब्लैक थोड़ी होता है। ये था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये रैबिट्स को नबील जब भी खाना दो ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं 3-4 दिन से भूखे हैं।